छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को कोरिया में आयोजित झुमका महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित झुमका जल महोत्सव के अवसर पर पत्रकारों से चर्चा की। इस चर्चा में उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बेनतीजा बताया। वहीं इस विषय में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वो संविधान को बचाने के लिए चल रही है। देश में जो सांप्रदायिकता फैल रही है उसमें जागरूकता लाने के लिए यात्रा निकल रही है। कोरिया से संवाददाता विशाल सिंह की रिपोर्ट। अब देखिए, कांग्रेस डूबती हुई नैया है, और पहले भी तो भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, उसका क्या परिणाम हुआ? अब कुछ भी करने कोई फायदा होने वाला नहीं। देखिए, भारत न्याय यात्रा जो चल रही है वो इस देश में जो संविधान की हत्या हो रही है, इस देश में जो डिक्टेटरशिप का शासन चल रहा है, इस देश में जो सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, उसको जनता को जागरूक करने के लिए न्याय यात्रा चल रही है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के यह कथन कि कांग्रेस डूबती हुई नाव है, ये उनकी ही सोच है, जबकि नाव कभी डूबती नहीं है। राजनीति में नाव लड़खड़ाती है, समय आता है फिर सीधी चलती है। तो उनका ये कहना कि कांग्रेस डूबती नाव है, ये उनकी मानसिक विक्षिप्तता का प्रतीक है।